हम जाएं कोडेजुंगा रोजगार मेला, जहाँ पे लगे रही सा रोजगार मेला। तो एरी सा गार्डन जहाँ पे अभी हम घूम चुके हैं, और अभी गार्डन के जस्ट सामने जहाँ पे तालाब के बीच में शंकर भगवान जी का मूर्ति। तो मैं थोड़ा पास लेके चलता हूँ। तो जय जोहार संगवारी हो, मोर नाम है मिंटू, स्वागत है मोर यूट्यूब चैनल मिंटू ब्लॉग में। तो मैं तो सुबह घर से निकल गया, और घर से निकलते ही हम जाएं कोडेजुंगा रोजगार मेला, जहाँ पे लगे रही सा रोजगार मेला, जहाँ पे बहुत सारे रिक्त पद रहीन। तो हमारे गांव के हमारे साथ और दोस्त आए रहीन, वो मन तो वापिस चले गए। तो अभी मैं आ चुके हैं कांकेर के जो गार्डन है, जैसे कि आप देख सकते हो। मेरे पास टाइम रही तो मैं सोचे हूँ कि चलो एक बार गार्डन घूम के आ जाऊँ, और मेरे साथ है सौरभ। तो ये देख सकते हो सौरभ ठाकुर, जो कि मोर पिछले वीडियो में भी देखे हुई, जहाँ हमन जा रहे हैं अंतागढ़ कलेपरस, जहाँ मांद्री वीडियो शूट करे बा। तो ये रहे वो दोस्त। तो हम अभी सोचे हैं कि अभी कांकेर में और क्या कर सकते हैं, तो फिर हम घूमे बा आ चुके हैं। तो अभी हम झूला झूले पर जा रहे हैं, लेकिन झूला साइड तो बहुत झने बच्चे बन झूला रहे, तो ओकर कारण हम झूल नहीं पाए। तो अभी हम जाते हैं दूसरे साइड, और सौरभ मोर से आगे है। तो अभी हम देखते हैं कोई और झूला हुई तो वहाँ झूल ले। वो कहाँ झूल? वो जस्ट आगे ये वाला। तो थोड़े से आगे एक झूला है, वहाँ दिखत है। तो हम सोचा था कि वहाँ चले जान करके। तो फिलहाल हम झूल रहे थे एक झूला, जो कि देख सकते हो फिटनेस सौरभ फिटनेस बनाते हैं। तो फिर अभी मैं सेकंड साइड जाके झूल लेता हूँ। और तो संगवारी हो, यहाँ तो अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिखत है, काबर की आज मंडे है, और वैसे सबसे ज़्यादा यहाँ भीड़ भाड़ संडे को मिलते हैं। तो आज मंडे होने के कारण उतना भीड़ भाड़ नहीं है, और ज़्यादा घूमने लायक या फिर ऐसा कुछ ज़्यादा जगह भी नहीं है। तो जितना भी घूमें बहुत घूमें। अब सोचा था कि सामने जो ऊपर नीचे रोड है, जो गार्डन के जस्ट सामने है, जैसे मैं पीछे देख पा था, तो वहाँ जाना है, कबर कि वहाँ लाइटिंग के बाद बहुत ज़बरदस्त दिखते। तो एरिस गार्डन जहाँ पे अभी हम घूम चुके हैं, और अभी गार्डन के जस्ट सामने जहाँ पे तालाब के बीच में शंकर भगवान जी का मूर्ति है, तो हमला यहाँ पे जाना है। तो अभी उतना लाइट जला नहीं है, तो उस कारण से अभी उतना सही नहीं लग रहा है। तो अभी जैसे ही लाइट जलेगा तो आपको दिखाएंगे वहाँ का बढ़िया बढ़िया जगह। तो हम दोनों अभी भेल खाने के बाद अभी जाने वाला हैं पंच रोड। तो ये रहे पंच रोड की स्टार्टिंग गेट, जहाँ पे लिखे है आई लव कांकेर। तो अभी हम चले थे अंदर, और यहाँ जो भी हम देखबो ओला आप मन तक भी दिखाबो। तो आप मन से एक कमेंट करना है कि आप मन यहाँ कौन कौन घूमे पर आया हो, और आप मन ला ये जगह कैसे लगते, आप मन कमेंट करके ज़रूर बताओ। हम आए हैं, और पीछे उधर जो लाइटिंग देख पा था वो है गार्डन, वहाँ से होते हुए हम यहाँ आए हैं। और यहाँ आने के बाद बहुत सारे फ़ोटो खिंचाए हैं, तो अब फ़ोटो खिंचाए हैं तो अब समझ जाओ कि आप मन ला जाना है इंस्टाग्राम में, जो कि नीचे लिंक आते है। तो इंस्टाग्राम में जाना है, और करना क्या है, सबसे पहले करना है फॉलो, और फ़ोटो रील्स जो भी है वो इंस्टा पे आ ही। तो आप मन ला कर देना है लाइक,
और कुछ मोर से पूछना हो या कुछ बताना हुई तो ज़रूर अपन कमेंट करो, मैसेज करो। तो अभी हम आगे जाने वाला हैं इधर, और भी इसके बाद हमला वापस जाना है कवर के। अभी देख सकते हो ऊपर बहुत ज़्यादा बादल छा चुके हैं और बारिश हो के फुल आसार है, तो हमला यहाँ पे जल्दी जल्दी निकलना है। तो थोड़े से और घूम ले था, उसके बाद चल था हमारा रूम। तो ऐसे बता दूँ, यहाँ ज़्यादा घूमने लायक जगह तो नहीं है, लेकिन फ़ोटो खिंचाने वाला मन बहुत अच्छा अच्छा जगह है, और वो मन बढ़िया बढ़िया फ़ोटो निकाल सकते हैं, जैसे कि आप लाइट देख सकते हो। और इधर है तालाब, तो मैं थोड़ा पास ले कर चलता हूँ। तो ये रहे तालाब, और बीच में वहाँ पे शंकर भगवान की मूर्ति है, जो कि मैं गार्डन में रहूँ तब दिखा रहे हूँ। तो कभी दिन में आऊँ तो और भी अच्छा तरीका से दिखाऊँ, फिलहाल रात में भी बहुत खूबसूरत लगा था। और यहाँ पे जो लाइटिंग है वहाँ पे है गार्डन, जो कि आप ये देख सकते हो। तो यहाँ से होके हम वापस पंच रोड में आए हैं। तो ये रहे जी पंच रोड के नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत है, और आके यहाँ मस्त चिल कर सकता हो, बैठ सकता हो अपन दोस्त मन के साथ और इन्जॉय कर सकता हो। तो आप मन कांकेर नहीं आया हो या फिर पंच रोड कभी नहीं आया हो तो ज़रूर आओ यहाँ पंच रोड पे। पंच रोड जस्ट ऊपर नीचे रोड के बगल में ही है। अब यहाँ नीचे देख सकते हो ऊपर नीचे रोड, ये देख सकते हो रोड, और इसके जस्ट ऊपर पंच रोड। तो कभी आना हुए तो ये लोकेशन पे ज़रूर आओ। और यहाँ पे इधर देख सकते हो मंदिर है, जहाँ पे यहाँ के लोग मन पूजा करे वह रात हैं। और यहाँ है ज्ञानगुड़ी मरीन ड्राइव। तो फिर हम वापस जाते हैं, और ज़्यादा घूमने लायक जगह तो नहीं है। तो ये रहे तालाब। तो अभी हमला जाना है यहाँ पंच रोड से चिकन सेंटर, और चिकन सेंटर से हमला चिकन खरीद के वापस जाना है हमला रूम। क्योंकि मैं आज रुकने वाला हूँ कांकेर में, तो यहाँ से खरीद लेते हैं चिकन। उसके बाद हमला जाना है रूम, और रूम में अभी जाके चिकन बनाने वाला हम। तो फिर सबसे पहले पहुँचते हैं रूम। तो ये रहे हमारे रूम जो कि कांकेर में है। तो ये फर्स्ट रूम है, और इसके बाद आने वाला है ये सेकंड रूम। और आगे चल लेते हैं, तो आगे साइड है हमारे एक किचन। तो अभी हम सबसे पहले सब्जी बना लेते हैं। तो हम बनाने वाला हैं चिकन सब्जी, और आज के हमारे शेफ है सौरभ ठाकुर। तो अभी टमाटर और धनिया काटने वाला है। तो हम अभी बनाबो चिकन, और ये रहे चिकन देख सकते हो। तो अभी आज खाना है हमला सौरभ के हाथ से। टेस्टी तो बनावे ना भाई? टेस्टी हाँ। अच्छा तो ठीक है, अभी हम पूरा बना लेते हैं। तो सब्जी बनाना हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, और इधर बन चुके हैं खाना, और सेकंड साइड बना था हमारा चिकन सब्जी। तो थोड़ी देर बाद दे चिकन सब्जी भी तैयार हो जाए, उसके बाद हमला खाना है चिकन। ये हमारी चिकन की रेसिपी तैयार हो चुका है। तो फाइनली हमारे चिकन सब्जी बन के तैयार हो चुके हैं। आप मतलब कैसे लगा था आप मन कमेंट करके ज़रूर बताओ। और ये देख सकते हो जी चिकन। तो अभी हम सबसे पहले निकाल लेते हैं खाना और खा लेते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। आप मतलब कैसे लगी आज की वीडियो आप मन कमेंट करके ज़रूर बताओ। और काकर काकर फेवरेट है चिकन सब्जी वो मन भी कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो आज के हमारे वीडियो बस यहीं तक। आप मन कैसा वीडियो देखना चाहता हो कमेंट में ज़रूर बताओ। मिलते हैं और हम एक नया ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब जय जोहार जय जोहार जय छत्तीसगढ़।